नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अखिलेश यादव एचपी पवेलियन लैपटॉप जो 2012 में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उस पर मैंने आपको ब्लूटूथ फिक्स करके दिखाया, बट वो मोस्ट प्रोबेबली 64 बिट वर्जन के लिए था, बीट विंडोज 7, बीट विंडोज 10, बीट विंडोज 11। नाउ यहाँ पे मुझे काफ़ी यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया कि 32 बिट विंडोज 7 वर्जन के लिए जो है हम ब्लूटूथ फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आप कुछ फिक्स जो है प्रोवाइड कीजिए। तो ये वीडियो उसी बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं सबसे पहले जाके आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये विंडोज 7 प्रोफेशनल है, 32 बिट, 8 GB रैम मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन जिन बंदों को पता होगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB से ज़्यादा रैम को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो इसलिए 3.49 GB यूजेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ड्राइवर फाइल डाउनलोड करनी होगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज, तो वहाँ पे जाके उस फाइल को पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मेरे साथ साथ स्टेप्स को जो है फॉलो करें। तो यहाँ पे मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ, ये कुछ ऐसा आपको जो है वो फाइल दिखेगी। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे जाना है, ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जहाँ भी आपका मन करे, बीट लेट से डेस्कटॉप पे आप कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट हो गया है एंड वो फाइल्स जो हैं कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। तो अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप ये फाइल्स देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और DEVMGMT.MSC कमांड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ रेडियस बटन, इसको जो आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जेनरिक ब्लूटूथ अडाप्टर और माइक्रोसॉफ्ट ब्लूटूथ एन्यूमरेटर, ठीक है। तो अभी इसमें ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, राइट। तो मैं अभी अपना ब्लूटूथ स्पीकर पहले ऑन कर देता हूँ ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले, तो हम ताकि ये टेस्ट हो पाए। ऐड अ डिवाइस पे हम जाएंगे और ये लिटरली कोई डिवाइस फाइंड नहीं करेगा, मतलब मेरे आसपास आई गेस बहुत सारे डिवाइसेज हैं ब्लूटूथ वाले, बट ये एक भी डिवाइस फाइंड नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली यही प्रॉब्लम है, और जो ड्राइवर हम इंस्टॉल भी करते हैं वो वर्क नहीं करता है, तो उसको हम फिक्स करके दिखा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये कोई भी फाइंड नहीं कर रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं। और ये विंडोज 7 32 बिट वाला ड्राइवर जो आप देख रहे हैं इसको आप ओपन करेंगे, क्योंकि हमारी 32 बिट विंडोज वर्जन विंडोज है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन था तो उसने कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, बट अगर स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद जो है आपका ड्राइवर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें एक कैच है, इंस्टॉल होने के बाद भी वो वर्क नहीं करता है, और यही यहाँ पे जो है कैच है, तो उसी चीज़ को मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समय लेगा ड्राइवर इंस्टॉल होने में, सो मैं वीडियो को गाइस स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें, ठीक है, ताकि आपका जो ड्राइवर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटअप इज इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, और यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट किसी किसी बंदे को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। जिसको आएगा उसको इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे पे क्लिक कर देना है, ताकि ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर सके आपके सिस्टम में। और जब ये ड्राइवर इंस्टॉल करने लगेगा तो यहाँ पे आपको कुछ पॉपअप्स भी विजिबल होंगे अभी थोड़ी ही देर में, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट कर दी है, ये देखिए। तो ये सारे जो ड्राइवर्स हैं इसने अभी अभी इंस्टॉल किए हैं,
मेरे ख्याल से ये अराउंड 2 से 3 मिनट का वक्त लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस गाइस। और इस लैपटॉप को हमने अपग्रेड भी करके दिखाया था, तो जिन बंदों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 पे ब्लूटूथ फिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जिन बंदों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और उससे जाके अपना ब्लूटूथ फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर्स जो हैं उसने इंस्टॉल कर दिए हैं। जस्ट वेटिंग फॉर इट टू फिनिश। ऑलराइट, सो ये सक्सेसफुली फिनिश हो चुका है गाइस। फिनिश पे क्लिक करते हैं। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू आस्क यू टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, सो प्लीज गाइस अपना कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो लैपटॉप है वो सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुका है। एक ब्लूटूथ हार्डवेयर मैंने ऑन कर रखा है, एक ब्लूटूथ स्पीकर है। डिवाइस मैनेजर में जाते हैं तुरंत, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली आपका हार्डवेयर का नाम आ जाता है, ब्लूटूथ का जो भी होता है, बट वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार और तसल्ली करने के लिए चेक कर लेते हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस फाउंड हो रहा है कि नहीं, या डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्पीकर ऑन है जैसे कि मैंने बताया, बट अब भी जो है वो डिस्कवर नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह के ब्लूटूथ को। तो अब भी प्रॉब्लम है ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी। तो उसी का मैं कैच आपको बताने वाला था, उसका फिक्स क्या है। तो आपको इस पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है और जेनरिक ब्लूटूथ अडेप्टर पे आपको राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, लेट मी पिक अ लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्वालकॉम एथरॉस AR3012 ब्लूटूथ 4.0 अडेप्टर पे क्लिक करना है। नाउ जब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है तो इसको ये वाला चीज़ जो है वो शो करना चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई ये रिवर्ट बैक हो जाता है इस पे जेनरिक ब्लूटूथ अडेप्टर पे, जो कि वर्क नहीं करता है। तो ड्राइवर इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन अपने सही वो सही से फंक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो इस पे अपने आप को रिवर्ट नहीं करा पाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, तो हमें ये मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये इंस्टॉल विंडोज हैज सक्सेसफुली अपडेटेड द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो बंद हो गया था, मैंने दोबारा से इसको ऑन किया है। और यहाँ पे हम दोबारा से इसको डिटेक्ट करते हैं कि अब ये डिटेक्ट हो पाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको सर्च किया ये डिटेक्ट हो गया है, और यहाँ पे हम इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट भी हो पा रहा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आने वाली है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जब भी आप पहली बार को है कोई डिवाइस ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली जो है आपका कनेक्ट हो चुका है, और अभी कुछ ही सेकंड्स में आपके पास इसकी कनेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये थी वो वीडियो दोस्तों जिसपे हमने आपको अखिलेश यादव HP पवेलियन लैपटॉप पर Windows 7 32 bit का ब्लूटूथ फिक्स करके दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही कूल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।